अब देखो इसमें कोई शक नहीं कि टीम एलीट बहुत अच्छी टीम है, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम है एंड वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टीम है। एंड बेटू आईटी की तरह इनका भी रंडापा आते रहता है। हाँ, बस डिफरेंस ये होता है कि बेटू का हफ्ते में आता है एंड इन लोगों का महीने में। कहने के लिए तो ये भैया बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, पर लवड़ा इनको बेसिक बातें भी नहीं पता। अब देखो एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड जो कि रहना चाहिए, और एक होता है इन लोगों का एटीट्यूड जो कि अलग ही लेवल का है। एंड अगर इन लोगों का ऐसे ही एटीट्यूड एंड बिहेवियर रहा तो कभी ना कभी इनके लौड़े लग सकते हैं बहुत बुरे। और इसको बच्चा कौन बोलता है बे? तुम लोगों को कहां से बच्चा दिखता है ये? अब जिस हिसाब से इन लोगों की कंट्रोवर्सीज होती है मंथली बेसिस पे, उसे देखते हुए तो लगता है कि तुम्हारे टीम में ना लौड़ा लसन बहुत होता होगा। बट टू बी ऑनेस्ट, इनके टीम में ना एक चीज बहुत बढ़िया है, और ये बात ना दिल से बोल रहा हूं, इनके टीम का परफॉर्मेंस एंड गेम प्ले ओपी, मतलब भैया बहुत बढ़िया है सच्ची। इनका गेम प्ले बहुत अच्छा है एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इस पे कोई शक नहीं। वाओ, बट ये दोनों चीज को छोड़ के इनकी बाकी चीजें लंड जैसी है। इन लोगों के लिए ना एक चीज बहुत कॉमन है, जैसे प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट करना, से जलना, बेफालतू का एटीट्यूड दिखाना। ए, कोई भी कमेंट सेक्शन में आइकॉनिक नहीं लिखेगा। और हाँ, किसी ने शायद आयुष को छपरी बोला था टीम एलीट से, वैसे आयुष जिसने भी बोला कुछ गलत नहीं बोला। और शायद किसी ने किसी को गंजा भी बोला। ओ अच्छा, टोंडे को, तेरा बाप गंजा भूसड़ी के, टोंडे भाई ऐसा बोलना चाहिए यार। टीम एलीट के बंदों को शायद ये नहीं पता कि जो भी तुम्हारी ऑडियंस है वो भी तुम लोगों के ये एरोगेंट बिहेवियर से परेशान है। तुम साले समझते क्या हो बे अपने आप को? अरे जॉन्टी भाई, ऐसा लोगों का कहना है। कल हमने स्टोरी डाला था अपने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्स योर व्यूज ऑन टीम एलीट, इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इन लोगों को हड़वे बोला, भूसड़ी वाले बोला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टीम एलीट करंटली इंडिया की नंबर वन टीम है, इसमें भैया नो डाउट, क्योंकि ये सबको पता है। बट तुम्हारे टीम में ऐसे बहुत बंदे हैं जो बहुत एरोगेंट हैं। तुम लोगों का बिहेवियर ना गधे की गांड जैसा है। और जॉन्टी भाई तुम तो बहुत हम्बल हो यार। अगर जॉन्टी भाई तुम्हें ये लगता है कि मैं गाली दे के बहुत कूल लगता हूं, फक ब्रो, जॉन्टी भाई ये गलतफहमी में मत रहो। एक इमोट की वजह से इतनी बड़ी टीम फालतू में झगड़ा करेगी, भैया ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। और हां, ये यूजी भी कुछ सही नहीं है, गलती दोनों की, बट हाँ छपरी नहीं बोलना चाहिए था। और पहली बात, चाहे टूर्नामेंट में तुम्हें कोई इमोट दिखाए या फिर लंड दिखाए, उसको यार वहीं पे खत्म कर दो ना डिस्कॉर्ड पे बात बात करके। पर नहीं भाई, हम वीडियो डालेंगे, हम आवाज उठाएंगे। देखो तुम लोगों का कुछ भी होता है ना, तो उसका ई लफड़ा मत बनाया करो यार। चलो तुम लोगों की वजह से गर्मी बढ़ जाती है, प्लीज तुम लोग गेम में या डिस्कॉर्ड पे निपटा लिया करो। टीम एलीट के प्लेयर्स को मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखो बहुत लोगों को तुम्हारा गेम प्ले एंड परफॉर्मेंस पसंद है, इवन मुझे भी, तो भाई इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों को तुम्हारा बिहेवियर भी पसंद है। तुम लोगों का बहुत एरोगेंट बिहेवियर है, और ये मैं तुम लोगों के मुंह पे भी बोल सकता हूँ। कल जो मैंने स्टोरी डाला था ना कि व्हाट्स योर व्यूज ऑन टीम एलीट, तो उसके बाद बहुत लोगों ने तुम्हारी तारीफ किया। मतलब ये समझ लो कि गाली देने वाले 2% थे, बाकी सब तारीफ कर रहे थे। बट भाई हर एक बंदे का ये भी कहना था कि भाई टीम एलीट के प्लेयर्स को अपने एटीट्यूड को कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं कि दिल से एलीट करने वाले से एलीट करे। और आइकॉनिक स्पेशली तू साले एग्रेसिव प्लेयर है, तो इसका ये मतलब नहीं है तू अपना गुस्सा कैसे भी निकाले। भाई तुम लोगों को ऑलरेडी इतना स्ट्रेस रहता है, तो फिर क्यों अपने दिमाग का भोसड़ा करते हो ये सब कंट्रोवर्सीज से? ये सब चीजों पे पढ़ोगे, दिमाग पे स्ट्रेस आएगा, जिससे परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा, तो ये सब चीजों में क्यों पढ़ने का यार? जॉन्टी भाई ये सब बातें तुमको बतानी चाहिए अपने प्लेयर्स को, बट भैया तुम तो इन लोगों का साथ देते हो। जॉन्टी ब्रो, तुम्हारे पे गाली ना बिल्कुल सूट नहीं करती है। तुम गाली देते हो ना तो ऐसा लगता है कि तुम पोयम बोल रहे हो। टीम में बड़ा प्लेयर होने के नाते तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने टीम के बंदों को तुम सही गाइड करो, बट नहीं, तुम तो भाई उन्हीं का साथ देते हो। देखो तुम सभी को ये बात पता ही होगी कि अज्जू और अमित को छोड़ के ये लोग किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते। दूसरे टीम्स को गाली देना एंड दूसरे टीम्स के प्लेयर्स को गाली देना इन लोगों के लिए बहुत आम बात है। क्या तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों के जितने अचीवमेंट्स हैं उतनी तुम सभी की कंट्रोवर्सीज भी है? जॉन्टी ब्रो, यू आर अ वेरी गुड प्लेयर इन दिस कम्युनिटी, बट यू आर नॉट अ रिस्पेक्टेड प्लेयर। भैया जितना ये लोग टॉक्सिक होते हैं उतना तो हम भी नहीं होते। और पूछो तो इतना गुस्सा क्यों? तो कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं ब्रो मैं। तुम शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी कुछ भी बोल दो। सपोज पहाड़ी आके मुझे ऐसा बोलता है कि लौड़े कैसा है, और उसके बाद मैं उसे ऐसा बोल दूं कि लौड़े तूने मेरे को लौड़े कैसे बोला, और इसी बात पे झगड़ा कर लूं, और बाद में कह दूं कि आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड। भैया ये कोई बात हुई? अब देखो होता है ऐसा, कभी कभी होता है कि बहुत गुस्सा आ जाता है किसी बात को लेके या फिर किसी मूवमेंट को लेके, बट जिस लेवल पे तुम लोग हो उस हिसाब से ये सब चीजें तुम्हारे पे सूट नहीं करती। अगर ये सब चीजें एक दो बार होती तो समझ में आती, पर ये तो मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। और ये जो बॉडी शेमिंग की बात कर रहे हैं, तो सुनो, भोसड़ी के माँ बहन की इतनी बुरी बुरी गाली दे रहे हो, देन बोल रहे हो कि वो मेरे को बॉडी शेम कर रहा है। गालियां ज्यादा बुरी है या फिर जो तुमने कल को एक नया वर्ड सुना है बॉडी शेमिंग, वो? अब ये वीडियो को अगर तुम लोग हेल्दी वे में लेते हो तो बहुत बढ़िया है। देखो भाई कोई हेट नहीं है टीम एलीट को, बट प्लीज चेंज योर फकिंग एटीट्यूड। एंड कुछ ऐसा भी पता चल रहा है कि लड़कियों के स्क्रीम्स में कुछ लड़कियां अपने फ्रेंड्स वगैरह वगैरह से आईडीज खिला के टूर्नामेंट खेलती हैं, और कुछ लड़के लड़कियां बन के खेलते हैं। तो इस पे ना विस्तार से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आज के ये वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। एंड अगर तुम सभी को फेस रिवील चाहिए तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि भाई मैं फेस रिवील यूट्यूब पे नहीं करने वाला हूं। एंड हमारे ये चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक मिल जाएगा तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो दिस वॉज क्लैशर साइनिंग ऑफ, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन।
the upper.